के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बांसगांव और गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के साथ आरओ और प्रेक्षकों ने की स्क्रूटनी, बताया मतदान का प्रतिशत। जिलाधिकारी ने मतगणना से पूर्व जिले आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, तमाम पहलुओं पर लिया फीडबैक और दिए दिशा निर्देश। सीडीओ ने मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों के संग की बैठक, कहा 23 मई को गोरखपुर विश्वविद्यालय में सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, दिया सुबह 6:30 बजे पहुंचने का निर्देश। गर्मी और धूप के बाद भी मतदान प्रतिशत बढ़ने पर गोरखपुर न्यूज के माध्यम से डीएम ने मतदाताओं को व्यक्त किया आभार, दी बधाई। लोकसभा निर्वाचन 2019 सकुशल संपन्न कराने के लिए एसएसपी ने गोरखपुर जिले के सभी का आभार व्यक्त करते हुए दिया धन्यवाद। 23 मई को होने वाले मतगणना को लेकर बीजेपी कार्यालय पर नजर आई निश्चिंता। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया रवि किशन सहित क्षेत्र के सभी 13 लोकसभा सीटों पर भारी मतों से बीजेपी की जीत का दावा। 23 मई को होने वाली मतगणना के लिए सपा ने कसी कमर, बैठक कर विचार विमर्श कर राजनीतिक नफा नुकसान पर चर्चा करती नजर आए पार्टी के पदाधिकारी, बनाई रणनीति। लोकसभा चुनाव सकुशल संपन्न होने के बाद मतगणना की तैयारी में जुटे कांग्रेसी, कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा जिम्मेदारी से लड़ा है चुनाव, रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। थाना तिवारीपुर एवं थाने के मेस का हुआ सुंदरीकरण, एसएसपी ने किया लोकार्पण, कहा अपने आप में ऐतिहासिक है थाना तिवारीपुर। और 23 मई को लोकसभा चुनाव के होने वाली मतगणना को सकुशल निपटाने के लिए मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण शुरू, 2 चरणों व 3 पालियों में होगा प्रशिक्षण।